अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस वक्त शाहदरा पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमने अपनी बाइक पार्क की है। वो पापा बाइक लेके उधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे वाशरूम 20 रुपीज़ लिखा है, मस्जिद भी है, लेडीज़ वाशरूम भी है। यहाँ से हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पॉइंट जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। ये देखें जी, ये दरमियान में एक पुल है जो ऊपर आबादी की तरफ जाता है। ये देखें, पानी के अंदर मछलियाँ भी हैं। वाह, ये देखें जी, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से होता हुआ पानी। ये दरमियान में कुर्सियाँ लगाई हैं, बड़ा प्यारा मौसम बनाया है यहाँ पे इन्होंने, माहौल बनाया है। मौसम तो अलग, आजकल गर्म ही है थोड़ा सा। ये कुदरती पीने का साफ पानी, साफ व पाक पानी। पानी की स्पीड देखें ज़रा, ये पुल के नीचे से पानी यहाँ पे आ रहा है, ये इधर से होता हुआ। ये एक और एरिया पानी के लिए बना है। आए हम इसमें उतरते हैं और पानी का माहौल चेक करते हैं कैसा है। पानी इतना तेज़ है कि मेरे पाँव को ये देखें बहा के लेके जा रहा है। ये देखें पानी की स्पीड चेक कर रहा है, पानी का शोर भी आपको सुनाई दे ही रहा होगा। शायद मेरी आवाज़ कम आ रही हो और पानी की ज़्यादा आ रही हो। यहाँ पे अगर बच्चे आए ना तो पानी में पागल हो जाए, यकीन करें। मैं भी इसीलिए आया था कि मैं देखूँ जहाँ पे कैसा माहौल है, बच्चे आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो वाकई ये बच्चों के लिए बेहतरीन एंटरटेनमेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको पकोड़े, चाय, चिकन, कढ़ाई, टिक्का, नान रोटी छोटी सब कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ पर घर से लाएं तो ज़्यादा अच्छा है, वरना यहाँ पर भी सब कुछ अवेलेबल है। ये देखें, ये एक डेरा टाइप बनाया हुआ है, सब लोगों ने अपने अपने डेरे बनाए हुए हैं। ये हम पानी के अंदर चल रहे हैं जी। ये समझ लें एक डेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ से उतरें तो थोड़ा नीचे दूसरा डेरा शुरू हो जाता है। यहाँ पे फिर एक आगे पॉइंट, ये सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से सेटिंग की हुई है, ऑलमोस्ट मिलती जुलती। अब देखें ना, यहाँ पे बच्चे आए तो क्या एंजॉय नहीं करेंगे, बड़े भी कर सकते हैं पानी में जिसका नहाने का शौक हो। लेकिन इतना गहरा पानी नहीं है बच्चों के लिए, है दो दो ढाई ढाई फुट। जो मैं चलते हुए सारा इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि एक तो आज रश नहीं है, इजीली ये काम हो सकता है क्योंकि आज मंडे का दिन है, और दूसरे नंबर पे मेरे साथ बच्चे नहीं हैं। मैं अकेला आया हूँ अपने पापा के साथ, तो आपको वीडियो बना के दिखाने का मकसद ये कि आप ये देखकर एंजॉय करें और आप ख़ुद यहाँ पे आएं और फिर मुझे दुआएं दें कि बहुत अच्छी जगह बताई है। ये देखें,
एक साइड पे अगर आप बैठना चाहें, ये पूरा एक डेढ़ा वहाँ से यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया ये, ठीक है। अभी वो और आगे जाऊंगा लेके आपको, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी मुझे लग रहा हो रही है, लेकिन आप एक एक स्पॉट देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने खुद ही अपनी मदद आपके तहत मुकामी लोगों ने यहाँ पे सेट किया है, डिज़ाइन किया है। ये देखें, एक छोटी सी आबशार बनाई हुई है, ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे बैठे हैं। आज इतना रश नहीं है तो वीडियो बनाने का भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपको कोई तंग नहीं कर रहा, आ नहीं रहा बार बार वीडियो में। और ये देखें इतना ज़बरदस्त माहौल है, दिल मेरा कर रहा है इसी पानी में उतर जाऊँ, कोशिश करता हूँ। वाह जी वाह, ओ हो 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 हो, बहुत तेज़ पानी है भाई, और पत्थर स्लिपिंग वाले भी हैं, लेकिन मेरी जूती जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है और मुझे वो स्लिप नहीं होने दे रही। अगर मैं नंगे पाँव आऊँगा तो वो पत्थर पाँव में लगेंगे भी और मुझे स्लिप भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पत्थरों पे थोड़ी थोड़ी काई जम जाती है ना, जिसकी वजह से। जी मैं यहाँ से नीचे उतरा हूँ, ठीक है। पहली वीडियो वहाँ पर एंड हो गई थी, ये मैंने यहाँ से कंटिन्यू की है दोबारा। ये मैं पानी में चलते हुए, पानी इतना शफाफ है कि पाँव भी अंदर से क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये मेरा ख्याल है ख़तरनाक रास्ता होगा, वहाँ से मैं नहीं उतरता, इधर से उतरने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि पहले एक दफ़ा मैं गिर के ना अपनी बाजू पे चोट लगवा चुका हूँ, जो अभी तक भी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुई। ये देखें यहाँ से भी ख़तरनाक रास्ता है, वो देखें आप शार समझ लें छोटी सी एक, ठीक है। ये मैं यहाँ से थोड़ा सा राइट से होऊंगा, यहाँ से ये देखें जनाब एक सांप, वाह मुंह कैसे निकाल के ऊपर देख रहा है, ये देखें मेरे देखते देखते गायब हो गया। यानी पानी में आप घुसें ज़रूर, लेकिन ये भी सोच लें कि सांप भी होते हैं भाई यहाँ पे। ये देखिए जी, जहाँ से हम आए हैं उधर से नीचे उतरे हैं, और जहाँ पर हमने सांप देखा जो ऊपर मुंह खोल के पानी जैसे पी रहा था, ये हम दोबारा पानी में आएंगे और आपको दिखाएंगे। अब सांप के डर से पानी में ना आए ये कैसे हो सकता है। ये देखें ये आबशार एक अच्छा मंज़र पेश कर रही है, ठीक है। इधर से हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं डेरे ऐसे कारपेट बिछाए हुए हैं, कुछ चारपाइयाँ लगाई हैं, कुर्सियाँ लगी हैं, जैसा माहौल आप पसंद करते हो वैसे माहौल में आप आ सकते हैं। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा गहरा पानी है, मतलब शायद डेढ़ डेढ़ दो दो फुट के करीब है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए तो ये सही स्विमिंग पूल है, हमारे लिए थोड़ा कम है पानी, ठीक है। स्लिपिंग हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन जूती अच्छा सपोर्ट कर रही है मुझे।
ये देखें जी, यहाँ से हम आ गए हैं तो वहाँ से होके आए हैं, ठीक है। यहाँ से होते हुए हम आगे जाएंगे, फैमिलीज अब आना शुरू हो गई हैं। ये एक भाई यहाँ पे गिटार बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आए आपको कुछ सुनाते हैं ये। ये जी हमने तीसरी वीडियो यहाँ पे स्टार्ट कर दी। टेम्परेचर बहुत हाई है यहाँ पे, गर्मी है, पसीना भी आ रहा है जिसकी वजह से मोबाइल भी हीट अप हो जाता है, तो वीडियो उसकी वजह से थोड़ी रुक जाती है, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा शुरू कर लें। ये देखें जी, ये लोहे के बेड लगे हैं, कुर्सियाँ लगी हैं, आप जिस पे चाहें बैठ सकते हैं। ये जो आपको बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर एक शॉप, एक डेरा ख़त्म हो जाता है और दूसरा शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये पकोड़े और चाय आपको इजीली मिल जाती है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पानी में चलने का। पानी बहुत ज़्यादा कहें ना, अगर ठंडा तो वो तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा है क्योंकि गर्मी भी शदीद ही पड़ रही है और पानी की गहराई इतनी नहीं है ना, इसकी वजह से शायद वो ठंडा नहीं होता, ठीक है। बड़ा एहतियात से कदम रखने पड़ रहे हैं कि स्लिपिंग ना हो जाए। ऐसी डिटेल वीडियो शायद आपने पहले ना देखी हो, शाहदरा के हवाले से आपको पैदल यहाँ पर मैं आपको एक एक स्पॉट की एंटरटेनमेंट दे रहा हूँ। ये थोड़ा साइड पे कोई झूले झूले से लगे हुए हैं, ये देखिए जी ऊपर पहाड़ देखें, खूबसूरत पहाड़ है। पहाड़ों के दरमियान ये समझ लें, एक वैली टाइप समझ लें, या पहाड़ों के दामन में एक कुदरती चश्मा है इतना बड़ा कि लोगों ने यहाँ पे पिकनिक पॉइंट बना दिए और बहुत ज़बरदस्त बना दिए। वो बैठे हैं जी मेरे पापा मेरे वेट में, ये कब फ्री हो और मैं पास आए और मुझे उनके पास जाना चाहिए, और यकीनन एंड भी हो गया वहाँ पर जो पिकनिक पॉइंट है उसका, शायद थोड़े से डेढ़े रह गए हैं, दो या तीन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और फिर मैं पापा को मिलूंगा आके। मेरी जूती मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, ना तो मुझे पाँव में पत्थर लग रहे हैं और ना ही मैं स्लिप हो रहा हूँ। अब जूती की पब्लिसिटी मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं मुझे जूती ने थोड़ी की है, स्पॉन्सर थोड़ी की है जूती बनाने वालों ने। बड़ा पत्थर पड़ा है इधर उधर इधर, ये नीचे पानी गिर रहा है, ये हम आगे से जाएंगे।
इतना मेरे पाँव टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, जूती को अभी तक टूट जाना चाहिए था, लेकिन साथ दे रही है अभी तक। यहाँ से उतरते हैं, ये देखें ये पानी में काई लगी हुई है, लेकिन मेरी जूती यहाँ पर स्लिप नहीं कर रही। आपने आना होगा तो मैं बता दूंगा आपको ये कौन सी जूती है, नाम नहीं बताऊंगा वीडियो में। फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पर, उनकी वीडियो में डायरेक्टली नहीं बना सकता, बुरी बात है। आगे जाऊंगा मैं तो देखें, ये मैंने कुर्सियाँ रखी हुई हैं, शायद अभी ये तैयारी में। ये काम ना किया करें, आपकी मेहरबानी है। ये देखें आप, एक शॉपिंग बैग में डालें ये चीज़ें, ठीक है, और कहीं किसी कचरा दान में फेंकें, ये मज़े का काम नहीं है। इतनी अच्छी जगह पे आप ये देखें ना, ये काम बहुत गलत है जी। ये देखें, 10 का नोट भी किसी ने फेंका हुआ है। ये देखें जी, डक इतनी प्यारी लग रही है इनकी आवाज़। कभी आपने किए डक्स के साथ पानी में एंजॉय? ये देखिए मैं कर रहा हूँ कम से कम। ये लोगों के वहाँ पे डेरे से बने हुए हैं, इनको आप कह सकते हो कि खोखे बने हुए हैं, हिंदी जबान में कहें तो ढाबे बने हुए हैं। यहाँ पर भी आगे एक फैमिली बैठी हुई है, हम उनको कैप्चर तो नहीं कर सकते, आपको थोड़ा आगे ज़रूर ले जाएंगे। ये थोड़ा ख़तरनाक लग सकता है, इसलिए हम बाइक से चले जाते हैं। खुश्क जगह से चले जाते हैं। ये देखें ये छत, इन्होंने यहाँ से उतारी है क्योंकि मौसम थोड़ा यहाँ पे अच्छा है, एक साइड पे है। अच्छा जी, ये देखें ये तकरीबन लास्ट पॉइंट है, ये जो डेरे बनाए हुए हैं इन्होंने इसका। उसके बाद आगे पानी कंटिन्यू नीचे जा रहा है, मैं अगर आपको दिखाऊं वो देखें, दूर तक देखें तो पानी ऐसे यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। वो लोग कुछ मेरे ख्याल शायद नहा रहे हैं, मोबाइल में नज़र आ गया, वैसे नज़र समझ नहीं आ रही थी कि मोबाइल में लोग कुछ नज़र आ रहे हैं, शायद ये नहा रहे हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं। ये रास्ता है जहाँ से हम आए थे, अब वापस भी यहीं पे जाएंगे। आप बाइक पे आ सकते हैं, आप गाड़ी में आ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। पहले सुना था कि ये रास्ता बहुत ख़राब है, लेकिन मैं आया हूँ, बहुत अच्छा रास्ता है, साफ़ सुथरा, कोई खड्डे नहीं हैं, कोई मतलब वो होता ना कि टूटे रास्ते हों, पानी बह रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक भाई देखे पानी में जूते लेके घुस गए हैं, ये पीछे और भी भाई आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर मैं दिखाऊँ तो मैं आपको वो पहाड़ी के पास से शुरू हुआ था तो जहाँ तक मैं ले आया हूँ, और ये भाई ये कैमरा मैन आए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है जी। आप आएँ, मेरी इस वीडियो को देख के आएँ, इन्जॉय करें और मुझे दुआएं दें। अल्लाह हाफ़िज़। तो मैं आपको रिवर्स जा के भी दिखाऊंगा। ये देखें, पानी जिधर से आ रहा है मैं उसके मुखालिफ से मैं चल रहा हूँ।